नमस्कार बच्चों, मैं नेहा सेन और भारती परिवार में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और अपनी कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज पढ़ने जा रहे हैं दुष्यंत कुमार जी की गजल साये में धूप का एक अंश। ठीक है, तो अब हम कवि दुष्यंत कुमार जी के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि उनके विषय में जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। पहले का जो पाठ्यक्रम था उसके अंदर भी इनकी जो गजल है उसे सम्मिलित किया गया था, जो कि थी इस हिमालय से भी गंगा निकलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, अब इस हिमालय से भी गंगा निकलनी चाहिए और आदमी की पीर। ठीक है, तो इस प्रकार की जो गजलें थी वो आप इस पाठ्यक्रम में सम्मिलित की गई थी। तो दुष्यंत कुमार जी के बारे में हमारे चर्चा कर लेते हैं कि दुष्यंत कुमार जी का जन्म 1 सितंबर 1933 को हुआ था। कई पुस्तकों में इनका अलग अलग दिया गया है। इनके जो मित्र थे उनके मित्र के अनुसार, विजय नारायण साही जी इनके मित्र थे, उनके अकॉर्डिंग उनके अनुसार इनका जन्म 27 सितंबर को हुआ था, 27 सितंबर 1930 को हुआ था। ठीक है, और इनका जन्म हुआ कहाँ था? इनका जन्म हुआ था राजपुर नवाड़ा बिजनौर यूपी में। एक सितंबर, और इनके मित्र ने क्या बताया? 27 सितंबर। ठीक है, स्थान राजापुर नवाड़ा बिजनौर, जो कि यूपी के अंदर है। इनकी मृत्यु हुई थी 30 दिसंबर 1975। मात्र 44 वर्ष की अल्पायु में ही इनके हृदयाघात के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी जो प्रमुख जो गजल प्रमुख जो इनका गजल के रूप में एक रचना थी वो थी साये में धूप। इसी का अंश है जो आज हम पढ़ेंगे। उसके अलावा, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। कवि ने अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपनी गजलों के माध्यम से समाज को प्रेरित करने का कार्य किया है। समाज में जो स्वाधीनता के लिए संग्राम चल रहा है, स्वाधीनता के संग्राम में कवि ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसने अपनी गजलों के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से समाज में जागरूकता लाने का कार्य किया है बच्चों। ठीक है, तो इनका परिचय देख लेते हैं एक बार हम विस्तृत रूप से। हिंदी के प्रख्यात कवि एवं गजलकार दुष्यंत कुमार जी का जन्म 1 सितंबर 1933 और विजय नारायण साही के अकॉर्डिंग कितना है? 27 सितंबर 1933 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में राजपुर नवाड़ा नामक गांव में हुआ था। बाल्यकाल से ही बहुत सरल एवं सहज स्वभाव के व्यक्ति दुष्यंत कुमार की प्रारंभिक शिक्षा इनके ग्राम के निकट स्थित पाठशाला में संपन्न हुई और आगे की पढ़ाई के लिए दुष्यंत कुमार इलाहाबाद चले गए, जो वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, और यहीं पर अपनी पढ़ाई में लग गए। पढ़ाई के दौरान इनकी मित्रता मार्कंडेय कमलेश्वर से हो जाती है। ये भी प्रमुख कवि माने जाते हैं हमारे हिंदी साहित्य के। उन दिनों में इनकी मित्रता काफी लोकप्रिय थी। आगे चलकर इनके मित्र कमलेश्वर दुष्यंत कुमार से संधि बनते हैं। आरंभ के दिनों में दुष्यंत कुमार परदेशी के नाम से अपनी रचनाओं का सृजन किया करते थे। किस नाम से लिखते थे? परदेशी के नाम से रचनाएं लिखते थे। अपने बेखौफ लेखन के दम पर दुष्यंत कुमार साहित्य समाज में सर्वथा प्रासंगिक बने रहे। इसके लेख की लाइनों से सड़क से लेकर संसद तक गूंजित रही। जिस वक्त देश में आपातकाल था उस वक्त इस बेखौफ शायर ने कहा था, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। यानी उस समय जब सब जगह पर विद्रोह का स्वर था, आपातकाल लग रहा था, उस समय भी इस कवि ने बेखौफ होकर अपनी रचनाएं लिखी थी। अब जो हमारे दुष्यंत कुमार जी हैं, इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने के बाद साहित्यकार भोपाल आकाशवाणी के केंद्र पर अपनी सेवाएं सहायक प्रोड्यूसर के रूप में दी। इन्होंने देश में हिंदी साहित्य से जुड़े विभिन्न सेमिनारों में भी ये सक्रिय रूप से कार्यरत रहे। अपनी रचनाओं के माध्यम से इन्होंने परंपरागत रोमानी भावुकता को बाहर लाकर आम आदमी की मूल समस्याओं, उसकी दुर्दशा और उसकी सामाजिक पीड़ा को गहराई से दोहराया है। 42 वर्षों की अवस्था में दुष्यंत कुमार ने साहित्य जगत में काफी ख्याति अर्जित कर ली। चाहे हिंदी साहित्य का समाज रहा हो, चाहे उर्दू साहित्य का दुष्यंत कुमार, दोनों में ही इनको प्रमुख स्थान दिया गया। 30 दिसंबर 1975 को हिंदी साहित्य के गजल लेखक का 42 वर्ष की अवस्था में मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। जैसे उर्दू में किसकी गजलें फेमस है?
जानते हैं गाजर की गजलें फेमस थी, ठीक है। उसी प्रकार हमारे हिंदी साहित्य में दुष्यंत कुमार जी की गजलें बहुत प्रसिद्ध है, प्रचलित है, और कहीं आज वर्तमान युग में उनकी गजलों का प्रयोग मुहावरों के रूप में, लोकोक्तियों के रूप में, कहावतों के रूप में भी किया जाता है। दुष्यंत कुमार जी की रचनाओं में मसीहा बन गया, सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, जलते हुए वन का बसंत, छोटे छोटे सवाल, मन के कोण, साये में धूप, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कैसे मंजर, खंडर बचे हुए, आग जलनी चाहिए, एक आशीर्वाद, मापदंड, कहीं पर धूप की चादर और इस नदी की धार में। ये थे हमारे दुष्यंत कुमार जी की प्रमुख रचनाएं। अब हम पढ़ते हैं इनकी गजल का अंश, इनकी गजल का अंश। हिंदी की प्रमुख गजलें जो है मानी जाइए किसकी मानी गई है, इन्हीं की किनकी, दुष्यंत कुमार जी की। कहां तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहां तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहां चराग मयसर नहीं शहर के लिए, कहां तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहां चराग मयसर नहीं शहर के लिए। ये जो पंक्तियां हैं, ये जो गजल की पंक्तियां हैं, इनके अंदर कवि ने जो वर्ग है, कौन सा वर्ग है, जो भ्रष्टाचार करने वाला वर्ग है, जो शोषण करने वाला वर्ग है, उस पर आघात किया है, उसके प्रति विद्रोह स्वर उन्होंने बताया है। जैसे अगर आप वर्तमान परिस्थिति देखें तो आज चुनाव के लिए, मतदान के लिए बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार चल रहा है। जो प्रत्याशी है वो वोट मांगने आते हैं, मतदान मांगने आते हैं, तो जोर जोर से प्रचार प्रसार हो रहा है उनका। झूठे वादे करके जाते हैं, जब वो चुनाव जीत जाते हैं तो वो सारे वादे फुर हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। तो वही स्थिति यहाँ पर कवि ने बताई है कि स्वतंत्रता के समय, स्वतंत्रता से पहले जो वादे किए गए थे कि हर घर में चिराग होगा, कहां तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कि कहां तो यह तय हुआ था कि प्रत्येक घर में चिराग यानी दीपक होगा, प्रत्येक घर रोशनी से जगमगाएगा, लेकिन कहां चिराग मयसर नहीं शहर के लिए, और कहां तो घर तो छोड़ो आप, प्रत्येक मोहल्ले में, गली में भी, किसी शहर में भी जो रोशनी है उसका प्रतिबंध, उसका प्रबंधन नहीं किया गया। यानी चुनाव से पहले जो वादे करते हैं प्रत्याशी, वो चुनाव के जीतने के बाद वो सारे वादे कहाँ चल जाते हैं किसी को नहीं पता होता। वैसे ही यहाँ पर कवि बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, कि स्वतंत्रता से पहले वादे ये किए गए थे कि प्रत्येक घर को रोशनी से जगमगाया जाएगा, प्रत्येक घर में लाइट होगी, लेकिन जब स्वतंत्रता मिल गई, स्वतंत्रता के बाद में घर तो छोड़ो आप, गली तो छोड़ो आप, शहर में भी लाइट का प्रबंधन उचित प्रकार से नहीं किया गया, घर तो छोड़ो आप, शहरों में भी लाइट का जो है तरीके से प्रयोग, तरीके से प्रबंधन नहीं किया गया, घर तो अंधेरे में डूबे हुए थे, शहर भी अंधेरों में डूबे हुए हैं। यहाँ तक तो कि साए में धूप लगती है, अगली पंक्ति है, यहाँ दरख्त के साए में धूप लगती है, चले यहाँ से चले और उम्र भर के लिए, चले यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। अर्थात कवि यहाँ पर वर्णन कर रहा है कि दरख्तों के साए में। अब दरख्त कौन होते हैं, दरख्त होते हैं दरख्त, आप देखो जो वृद्ध वृक्ष होता है, जो बूढ़ा हो जाता है, उसकी जड़ें जो होती है वो जमीन को छूने लग जाती है। जैसे आप बड़ का पेड़ देखिए, पीपल का पेड़ देखिए, एक पेड़ जब बड़े हो जाते हैं तो बड़े होने के बाद भी इनकी शाखाओं से जो जड़ें निकलती हैं, जड़ें धरती से मिलने लगती हैं और एक प्रकार से बंधन बन जाता है उनके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर दरख्त किसका प्रतीक है, यहाँ पर उच्च वर्ग का प्रतीक है दरख्त, उच्च वर्ग यानी अधिकारी वर्गों का, अधिकारियों के साए में जो लोग रहते हैं, अगर आपके अधिकारी अच्छे हैं तो आपको भी कार्य करने के लिए वो अच्छे, मतलब आप कार्य करोगे इनके अंडर में तो आपको भी अच्छा फील होगा, आपको अच्छा महसूस होगा। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कवि, ये कवि यहाँ कह रहा है कि अब उन अधिकारियों के कार्य, अधिकारियों के अंडर में, अधिकारियों के अधीनस्थ काम करते हैं तो काम करते समय क्या लगती है, धूप लगती है, अर्थात बुरा महसूस होता है, उन्हें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो भ्रष्टाचारी हो गए, वो जनता का शोषण करने वाले हो गए, वो जनता के रक्षक से भक्षक बन गए, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, आक्षेप किया है, उन्होंने व्यंग्य किया है कि जिन दरख्तों के साए में छाया होनी चाहिए, जिन पेड़ों के नीचे छाया होनी चाहिए, उनके नीचे अब क्या लगती है, धूप लगती है, ठीक है। और दरख्त किसका प्रतीक है, यहाँ उच्च अधिकारी वर्ग का प्रतीक है।
चले, यहाँ से चले और उम्र भर के लिए चलो, यहाँ से चलते हैं और अब ये हमें शोभा नहीं देता, हमें अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उन उच्च अधिकारियों का जब भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, उनका शोषण जब बढ़ता जा रहा है, तो ये सहनीय हो रहा है आम जनता के लिए, क्योंकि उनका शोषण किया जा रहा है और शोषण की तरह वो दबी जा रही है। ठीक है, तो कवि उनसे कह रहे हैं कि चलो यहाँ से चलते हैं उम्र भर के लिए। आगे है, ना हो कमीज दो पांव से पेट ढक लेंगे, ना हो कमीज दो पांव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। अब कवि पंक्तियों में क्या वर्णन कर रहा है? कवि कह रहा है कि वे लोग जो अभावों में जीते हैं, वे लोग जिनके पास सारी सुविधाएं नहीं होती हैं, फिर भी वो जीवन व्यतीत करते हैं। एग्जाम्पल लीजिए, आप उदाहरण लीजिए, जब कोरोना काल चल रहा है, इस COVID-19 भरी जिंदगी में, इस COVID-19 में जहाँ लोग एहतियात बरत रहे हैं, जहाँ सावधानियां बरत रहे हैं, क्या आप बताएंगे जो फुटपाथ पर लोग रहते हैं या जो बच्चे जो भिक्षावृत्ति का काम करते हैं, भीख मांगने का काम करते हैं, क्या आपने उनको मास्क लगाए हुए देखा है? क्या आपने उनको किसी प्रकार की सावधानी बरते हुए देखा है? उनके पास नहाने के लिए साबुन नहीं होता, वो बार बार धोने के लिए साबुन कहाँ से लाएंगे हाथों को? तो कहने का मतलब वो अभावों में भी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्यों? देखिए, ना हो कमीज तो पांव से पेट ढक देंगे, वो लोगों का जो अस्तित्व है, उनकी उनकी जो स्वाधीनता है, उनका जो एक स्वावलंबन जो है उनका, वो कह रहा है कि अगर हमारे पास वस्त्र नहीं है पहनने के लिए, यानी हमारा जीवन अभावों में बीत रहा है, हमें वो मंजूर है, हमारे पास यदि वस्त्र नहीं है हमारे तन को ढकने के लिए, हमें पास कमीज नहीं है, कमीज कहते हैं शर्ट को, कि हमारे पास पहनने के लिए यदि कपड़े नहीं है तो हम अपने पैरों को समेट के हमारे पेट को ढक लेंगे, यानी हम अभावों में भी अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, इतना हमें क्या है, इतनी हमें शक्ति है, इतना हमें साहस है, इतनी हमें सहनशीलता है कि हम अभावों में भी अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए, कवि इनसे इनके लिए कह रहा है कि ये लोग कितने सही हैं इस सफर के लिए, अर्थात ये लोग कितने अच्छे हैं जो अभावों में भी रहकर अपना जीवन बहुत अच्छी तरह से बहुत खुशी खुशी बिता लेते हैं। तो ये लोग बहुत अच्छे हैं इस सफर के लिए, यानी जो सफर मैं तय करने जा रहा हूँ, विद्रोह का सर, विद्रोह का जो सफर है, इस शासन के खिलाफ, इस शासन व्यवस्था सत्ता के खिलाफ जो मेरा स्वर मुखरित हो रहा है, इस स्वर के लिए ये लोग बिल्कुल सही है। खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, आगे कहते हैं कवि कि खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। अब कवि का क्या वर्णन कर रहा है कि खुदा ना सही, खुदा कौन? ईश्वर, परमात्मा, ईश्वर, परमात्मा, भगवान, कुछ भी कह लीजिए आप, ठीक है, जिसके ऊपर आप आंख बंद करके विश्वास करते हैं। मैं आपसे प्रश्न करती हूँ, क्या किसी ने भगवान को देखा है? आपका उत्तर होगा नहीं, लेकिन फिर भी उस भगवान में आपकी आस्था है। कुछ लोग हैं जो नास्तिक होते हैं, लेकिन जो आस्तिक हैं, जो भगवान में विश्वास रखते हैं, उनमें निराशा की जगह आशाओं का संचार होता है। वो ईश्वर के प्रति ये भाव रखते हैं कि कभी ना कभी तो भगवान हमारी सुनेगा। उन आशाओं की कल्पनाओं के माध्यम से ही व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करता है कि आज हमारे पर दुख के बादल हैं, आज हमारे ऊपर जो है दुख की रात्रि है, तो आने वाले समय में सुख का सूर्य भी जरूर हमारे जीवन में उदय होगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर कवि क्या कह रहा है कि खुदा ना सही, कि भगवान ना सही, लेकिन आदमी का ख्वाब सही, कि उस आदमी के मन में, उस व्यक्ति के मन में उस ईश्वर के प्रति आस्था तो है, वो सपना, वो कल्पना तो है, आशाओं के माध्यम से जिसे वो प्राप्त करने का सपना देखता है, वो कल्पना करता है कि आने वाले समय में उसका जीवन खुशहाल होगा, आने वाले समय में उसका जीवन अभावों में नहीं बल्कि सुविधाओं में व्यतीत होगा। तो कवि ने ये कहा है कि भगवान ना सही, लेकिन आदमी का ख्वाब तो जीवित है, आदमी में जो उम्मीद की किरण है, आशा की किरण है, वो तो प्रज्वलित है। कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए, था इसी आशा से संबंधित, यानी इसी आशा रूपी दृश्य को देखने के लिए, पल भर के लिए जो नजारा बनता है, वो इस नजर को देखने में अच्छा लगता है, संतुष्टि प्राप्त होती है ऐसा नजारा देख करके, ऐसा दृश्य देख करके कवि को संतुष्टि मिल रही है कि लोग अभावों में रहने के बावजूद भी खुश रहते हैं, अच्छा फील करते हैं, बहुत अच्छे से जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता के समय अगर आप देखें तो भारत में गरीबी थी।
आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। अब कवि क्या कहता है, कवि कहता है कि आगे की पंक्तियों में कवि बता रहा है, वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, वो मुतमईन है पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए, तेरा निजाम है सिर दे जबान शायर की, तेरा निजाम है सिर दे जबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए, जिए तो अपने बगीचा में गुल मोहर के तले, जिए तो अपने बगीचे में गुल मोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुल मोहर के लिए, मरे तो अपने मरे तो गैर की गलियों में गुल मोहर के लिए। अर्थात कवि ये कह रहा है यहाँ कि वो मुतमईन है, यानी वो आश्वस्त है इस चीज को लेकर के, उन्हें अच्छी तरीके से पता है, क्या पता है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। आप कितना ही प्रयास कर ले, आप कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन आप पत्थर को नहीं पिघला सकते। अब यहाँ पर ये पत्थर कौन है, वो अधिकारी वर्ग जो शोषण करते हैं गरीब आदमी की, गरीब जो व्यक्ति है, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, उनकी मजबूरियों का फायदा उठाते हैं, उनका शोषण करते हैं, वो लोग कभी भी पिघल नहीं सकते, वो उन लोगों की सहायता कभी नहीं कर सकते जो अभावों में जीवन व्यतीत करते हैं। मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए, कि मैं बेकरार हूँ, मैं बेचैन हूँ किसके लिए, आवाज में असर के लिए। कौन सी आवाज के लिए, कवि अपनी गजलों के माध्यम से जो विद्रोह का स्वर समाज में मुखरित करना चाहता है, कवि उन्हीं स्वरों को निम्न वर्ग के माध्यम से सुनना चाहता है, अर्थात शोषण के खिलाफ आवाज उठाने का जो स्वर कवि ने अपनी गजलों के माध्यम से दिया, अपनी गजल के माध्यम से दिया है, वही स्वर सुनने के लिए कवि बेचैन है, बेकरार है। आगे है, तेरा निजाम है सिर दे जबान शायर को। अगर आपको याद हो तो दसवीं कक्षा में आपने सागरमल गोपा अमीर शहीद आपने पढ़ा होगा पाठ, उस पाठ के अंदर जो सागरमल गोपा है उसकी आवाज को दबाने के लिए उसे जिंदा जला दिया जाता है। जानते हैं आप उस पाठ को, बिल्कुल जानते होंगे, लास्ट में आपकी कक्षा में था। तो कवि का ये कहना है कि तुम्हारा ये मानना है, किसका मानना है, विद्रोहियों का, यानी जो पत्थर है, यानी जो अधिकारी वर्ग है, जो भ्रष्टाचारी है, उनका ये मानना है कि जो आवाज उठाता है, यानी जो अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से आवाज उठा रहा है, विद्रोह का स्वर मुखरित कर रहा है, उसे ही खत्म कर दो, यानी झगड़े की जड़ को ही समाप्त कर दो, झगड़ा रहेगा ही नहीं। तो वही यहाँ पर एक आप क्या कहा है कवि ने कि तुम्हारा मानना है कि जबान शायर की जबान को सिर देना चाहिए, शायर की जबान को सिर देना चाहिए, ताकि वो जो विद्रोह का स्वर समाज में जागरूकता का जो कार्य कर रहा है अपने स्वरों के माध्यम से, अपनी गजलों के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से, वो किसका ही खत्म हो जाए। लेकिन ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए, लेकिन ये सावधानियां जरूरी है। बहर कहते हैं छंद को, काव्य शास्त्र में आपके छंद होते हैं, तो यहाँ बहर का क्या मतलब है, छंद। तो कवि यहाँ कह रहा है कि ये सावधानी जरूरी है इस छंद के लिए। जैसे छंद में आपको यति गति लय ताल का ध्यान रखना होता है, वैसे ही कवि ने इस गजल को लिखते हुए उस सावधानियां बरतने का प्रयास किया है। जिए तो अपने बगीचा में गुलमोहर के तले। आप गुलमोहर जानते हैं क्या, गुलमोहर एक वृक्ष होता है, फूलों वाला पेड़ होता है, जिसमें नारंगी रंग के फूल लगते हैं, बहुत सुंदर फूल होते हैं। तो कवि यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर आप जिए, अब यहाँ पर गुलमोहर किसका प्रतीक है, स्वाधीनता का प्रतीक है, स्वतंत्रता आजादी का प्रतीक है, ठीक है। तो कवि ये कह रहा है कि अगर आप जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले जिए, अर्थात यदि आपको जीवन व्यतीत करना है अच्छी प्रकार से, सुव्यवस्थित ढंग से अगर आपको जीवन व्यतीत करना है, तो आपको स्वतंत्र होना पड़ेगा, और यदि आप स्वतंत्रता से आजादी से जीते हैं तो आपका जीवन जीवन कहलाता है। मरे तो गैर की गलियों में गुल मोहर के लिए, और यदि आप बाहर भी मरते हैं तो उसी आजादी के लिए आपको मरना
अच्छा रहेगा, आपके देश के लिए अगर आप लड़ते हैं तो वो लड़ना आपको अमर कहलाएगा, आपको शहीद कहलाएगा, जैसा सागरमल गोपा जी हुए थे अपने देश के लिए। अपने जैसलमेर की जो गुंडा राज था, जैसलमेर का जो राजा था वो भ्रष्ट था, उस राजा के विरोध में उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी, जैसलमेर का गुंडा राज उन्होंने रचनाएं लिखी थी जैसी, और उन रचनाओं से उन्होंने जनता को जागरूक किया था, इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके उन्हें जिंदा जला दिया गया, जबकि उनकी रिपोर्ट ये दी गई थी कि उन्होंने आत्मदाह कर लिया जो कि गलत था। ठीक है, तो कहने का मतलब शायर जो है, शायर कौन है यहाँ पर, दुष्यंत कुमार जी। दुष्यंत कुमार जी की आवाज को दबाने के लिए उन्होंने क्या कहा कि शायर की जो जबान है उसको सिर दिया जाए, उसकी रचना को जब्त कर लिया जाए। मैथिली शरण गुप्त जी की भी रचना को जब्त किया गया था, भारतेंदु जी की रचना को जब्त किया गया था, यानी जिन कवियों ने, जिन रचनाकारों ने अपनी लेखनी के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज के अंदर विद्रोह का स्वर जगाने की कोशिश की, समाज में जागरूकता लाने का प्रयास किया, उनकी या तो रचनाओं को जब्त कर दिया गया या फिर उन कवियों को ही कारागार में डाल दिया गया। ठीक है, तो कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि यदि आप जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो स्वतंत्र होकर के आजादी को प्राप्त कर अपना जीवन व्यतीत करें, ऐसे दूसरों के अंडर में, दूसरों के अधीन अगर आप रहकर के जीवन व्यतीत करते हैं तो वो जीवन अच्छा नहीं होता है, वो परतंत्रता का जीवन होता है। अगर आप मरे तो भी उस आजादी के लिए ही मरे, उस देश के लिए मरे जिसने आपको ये सुंदर जीवन दिया है, यानी अगर आपको मरना है गैर की गलियों में मरना है तो उस गुलमोहर के लिए ही आपको अपना जीवन त्याग करना चाहिए, अपना जीवन समर्पित करना चाहिए। ये थी हमारी कविता, ये थी हमारी गजल दुष्यंत कुमार जी की रचना साए में धूप के कुछ अंश। कैसे लगी आपको वीडियो हमारी, कमेंट